नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सेंस इंडिपेंडेंस। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के नए केस फिर बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें कई देश ऐसे हैं जिनकी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। कुछ देशों ने तो अनलॉक की अपनी कोशिशों पर ब्रेक लगाकर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। फाइजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन कंपनियां भी दो डोज के बाद अब बूस्टर डोज लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं भारत में केवल 5% आबादी को ही दोनों डोज लगे हैं, पर लापरवाही भी कई गुना बढ़ गई है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिल स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद कड़े उपाय करने पड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर COVID-19 रोकने के उपाय नहीं किए गए और भीड़ ऐसे ही लगती रही तो कोरोना की तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है। हम जानते हैं कि विदेशों में 50% वैक्सीन के बाद भी कोरोना के मामले किस तरह और क्यों बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं। यूके में 51% से अधिक आबादी को दो डोज और 68% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। इसके बाद ही सरकार ने 19 जुलाई से लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी की थी, पर नए केस आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पिछले हफ्ते हर 10 लाख की आबादी पर 410 नए केस मिले। शुक्रवार को यूके में 35,000 से अधिक नए केस सामने आए, जो 5 महीने में सबसे अधिक है। पिछले 5 दिन में लगातार 30,000 से अधिक नए केस मिले हैं। द अकेडमी ऑफ मेडिकल रॉयल कॉलेज ने चेताया है कि अगर लॉकडाउन में ढील दी गई तो हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएंगे। वही बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने सबसे तेजी से अपने आबादी को वैक्सीनेट किया है। वहां 60% आबादी को दोनों डोज और 66% आबादी को कम से कम एक डोज दिया जा चुका है। जब यह आंकड़ा 50% तक पहुंचा तो मास्क पहनने से आजादी दी गई, पर अब केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में इजराइल में 1,000 नए मामले सामने आए हैं और इससे एक्टिव केस का आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। इसके बाद इसराइल ने स्ट्रेटजी बदली और हाई इंफेक्शन रेट्स वाले देशों से आ रहे ट्रेवलर्स को क्वारंटाइन करने का फैसला किया। यहां तक कि दोनों डोज लेकर आ रहे लोगों को भी क्वारंटाइन में रहना होगा। पूरे इसराइल में 5 इलाकों को इंफेक्शन रेट के आधार पर रेड जोन घोषित किया गया है। स्पेन में करीब 45% आबादी को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। वहीं 59% आबादी कम से कम एक डोज ले चुकी है। इसके बाद भी पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो गया। 20 से 29 साल के ऐसे युवाओं में सबसे अधिक केस मिले जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। हर 1 लाख युवाओं में से 911 युवाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के कई देशों में नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। इटली में शुक्रवार और शनिवार को 37 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पिछले एक हफ्ते में 1 लाख टेस्ट पर पॉजिटिव केस 9 से बढ़कर 11 हो गए। अमेरिका की करीब 49% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। वहीं 77% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। इसके बाद भी आधे राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते में हर दिन औसतन 19,000 नए केस सामने आए हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 80% नए मामलों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को वजह बताया जा रहा है। बात करें भारत की, तो भारत में 11 जुलाई तक 37.73 करोड़ लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। आबादी के लिहाज से ये 22% है। वहीं केवल 5% आबादी को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। हर दिन लगभग 35 लाख डोज लग रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से देश में वैक्सीनेशन होता रहा तो भी भारत को अपनी आधी आबादी को वैक्सीनेट करने में अभी और महीने लग जाएंगे। पॉजिटिव केसेस की बात करें तो अब भी औसतन 40,000 से अधिक मामले रोज मिल रहे हैं। इनमें से 50% नए केस तो केरल और महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस? WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार कोरोना के डेल्टा समेत अन्य वेरिएंट्स ने परेशानी बढ़ा दी है। डेल्टा वेरिएंट 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। कोरोना में 80% नए केस डेल्टा के हैं। साथ ही लैम्बडा वेरिएंट भी 31 देशों में पहुंच चुका है। स्टडीज में यह बताया गया है कि नए वेरिएंट ओरिजिन स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के प्रभाव को भी कम कर रहे हैं। सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार जिन देशों में वैक्सीनेशन 50% का आंकड़ा पार कर चुका है वहां सरकारें लॉकडाउन में ढील दे रही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग लापरवाह हो रहे हैं और वायरस को फैलने का मौका दे रहे हैं।
इसराइल में चुनाव के बाद मामले बढ़ने लगे हैं, यूरोप के कई देशों में नाइट क्लब खुल गए हैं, सार्वजनिक आयोजन होने लगे हैं। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे यूरो कप जैसे स्पोर्टिंग इवेंट को भी वजह माना जा रहा है। सौम्य स्वामीनाथन के अनुसार कई देशों में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी नए केस सामने ला रही है। रूस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे देशों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया में हालात इतने खराब हैं कि ऑक्सीजन के लिए दूसरों देशों से मदद लेनी पड़ रही है। मैक्सिको में इस हफ्ते में ही इन्फेक्शन 29% बढ़ गया। अस्पतालों में 23% बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरियंट के केस बढ़ने से सिडनी में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या आपको वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोला ने कहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के 6 से 12 महीनों के बाद एक तीसरा बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरे बूस्टर डोज की अनुमति के लिए फाइजर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में कुछ हफ्तों में ही आवेदन दे सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी के मुताबिक वैक्सीन के बूस्टर डोज पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। स्टडीज के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि अमेरिकियों को तीसरा बूस्टर डोज दिया जाएगा या नहीं। कई देशों में अभी इस पर विचार चल रहा है, पर इसराइल ने फाइजर वैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज देने की तैयारी कर ली है। ये डोज कमजोर इम्यूनिटी वाले युवाओं को ही दिए जाएंगे। इसराइल का कहना है कि फिलहाल हॉस्पिटल में कोरोना के जितने मरीज भर्ती हैं, उनमें आधे दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि इस मामले पर अलग अलग स्टडी चल रही है। कई स्टडीज में ये सामने आया है कि नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम है। वैक्सीन कम एंटीबॉडी बना रही है और ऐसे में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज ही एक विकल्प हो सकता है। तो जिस प्रकार से दुनिया में अब एक बार फिर से कोरोना के लगातार जो नए मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है और कोरोना के पालन नियमों को हमें पालन करना ही है, चाहे केस बढ़े या नहीं। क्योंकि जब तक पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हो जाता, जब तक कोरोना पूरी तरह से हमारे बीच से नहीं चला जाता, तब तक कोरोना गाइडलाइन का पालन हमें करना ही होगा। लगातार और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ।